पिछली वीडियोस में मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर पैनल दिखाए और मुख्तलिफ चीज़ों के कनेक्शंस, करंट दिखाया इसके सोलर पैनल से करंट कितना नीचे सिस्टम पे जा रहा था। अब ये मज़ीद मैं आपको इस चीज़ में दिखा रहा हूँ जिसमें चार्ज कंट्रोलर हैं, कुछ सर्किट्स हैं, रिले है, ऑटोमेटिक और मैनुअल सिस्टम है, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। ये जो केबल्स हैं नीचे, ये जो नीली केबल्स हैं, ये सोलर पैनल से, जो मैंने आपको दिखाई थी पिछली दफ़ा कि सोलर पैनल से ये नीचे की तरफ जा रही है सिस्टम पे, ये केबल्स हैं जो यहाँ पे सोलर के चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो क्या करेगा, सोलर के जो वोल्टेज आ रहे हैं जो सोलर पैनल से, ये बैटरी को चार्ज करेगा और मतलूबा जो वोल्टेज आउटपुट पे चाहिए, मिसाल के तौर पे 12 वोल्ट से लेके 14 वोल्ट तक, वो आउटपुट पे देगा। तो ये चार्ज कंट्रोलर की जो लेफ्ट हैंड साइड है, प्लस और माइनस, यहाँ पे सोलर के तारे लग गई और ये जो दो तारे हैं ये बैटरी को लग गई हैं, जो कि सेंटर पॉइंट यानी कि चार्ज कंट्रोलर के सेंटर पॉइंट से वो बैटरी चार्जिंग की केबल्स हैं जो यहाँ बैटरी पे लगी हुई हैं। ये जो प्लस और माइनस यानी कि रेड और ब्लैक की केबल्स हैं, ये आउटपुट केबल है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में जा रही हैं, जो कि यहाँ पंखे और लाइटें जिससे हम चला रहे हैं। तो ये है कनेक्शन जो मेन है जो कि चार्ज कंट्रोलर से लगा हुआ। और ये देखें डिस्प्ले, आप देख रहे हैं चार्ज कंट्रोलर के 13.0 वोल्ट जो कि सोलर के वोल्टेज हैं। देखिए देख कंटिन्यूस जो एरो आपको दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि सोलर पैनल से इनपुट यानी कि इसकी आ रही है और आउटपुट भी आपको दे रहा है। और ये मुख्तलिफ इसके पैरामीटर्स हैं, 18.2 एम्पियर पीवी एम्पियर यानी कि जो पैनल से आ रहे हैं करंट वो है, ये आउटपुट करंट है 14 एम्पियर यानी 14 एम्पियर जो आउटपुट पे जा रहा है, ये एम्पियर आवर्स हैं यानी कि कितने इसने बिजली पैनल में दी है और ये कितनी आउटपुट ये दे चुका है, ये एम्पियर आवर्स में आ रही है। ये हम जो चेंज कर रहे हैं बटन से, ये प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स होते हैं, इससे आप इसके वोल्टेज वगैरह करंट वरंट चेंज भी कर सकते हैं। ये 14.7 वोल्ट वो वोल्टेज है जहाँ पे बैटरी चार्ज होने के बाद ये यहाँ पे कट ऑफ हो जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट लोड ऑन है, यानी कि अगर बैटरी ने 9 वोल्ट पे कट ऑफ हो गया, 9 वोल्ट जैसे ही बैटरी के डिस्चार्जिंग वोल्टेज होते हैं, अगर बैटरी 9 वोल्ट पे चली जाती है तो क्या होगा कि ये बंद कर देगा, उसको आउटपुट नहीं देगा और 12 वोल्ट चार्जिंग के बाद ये वापस जो है लोड बहाल कर देगा। ये बैटरी AGS की बैटरी है, 200 एम्पियर की लीड एसिड बैटरी कहलाती है। ये ड्राई बैटरी नहीं है बल्कि ये एसिड वाली बैटरी है और इसके साथ ये बैटरी चार्जर लगा हुआ है जो कि 12 वोल्ट 20 एम्पियर का है। ये बैटरी चार्जर नहीं है बल्कि समझ लें ये पुराना पाकिस्तानी UPS है जो कि हम बैटरी चार्जर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। ये देख रहे हैं आप, ये इसके कनेक्शन हुए हैं बैटरी चार्जर के प्लस पे से प्लस में और माइनस से माइनस में। इस वक्त ये बैटरी चार्जर बिल्कुल ऑफ है क्योंकि ये दिन में इस वक्त बैटरी चार्ज हो रही है सोलर पैनल से और हमारा ऑटोमेटिक सर्किट क्या कर रहा है कि बैटरी चार्जर को इस वक्त ऑफ किए हुए, ये ऑटोमेटिक सर्किट हमने एक लगाया है कि जिससे सोलर पैनल से कनेक्टेड है ये, और ये जो चार्ज यानी सर्किट है ये रिले के थ्रू ये ऑटोमेटिक और मैनुअल काम कर रहा है। देखिए इस वक्त ये चार्जर इस वक्त बिल्कुल बंद है जो कि हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम पे लगा हुआ है। इसके बराबर में जो कनेक्शन है वो समझ ले कि मैनुअल कनेक्शन है। इसके दो सॉकेट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑटोमेटिक हमने किया हुआ है और राइट हैंड साइड पे इसका जो है हमने मैनुअल किया। अगर हम ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा तो हम मैनुअल पे लगा के हम क्या कर सकते हैं, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं ये बैटरी चार्जर से। देखें इस वक्त बैटरी चार्जर ऑन हो गया है, ऑटोमेटिक सिस्टम इसका हमने बाईपास करके हमने क्या किया है, इसको मैनुअल कर दिया है और मेन लाइन से ये डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। अब हम निकाल के वापस ऑटोमेटिक पे लगा देते हैं। अभी ऑटोमेटिक सर्किट जैसे ही सोलर के वोल्टेज 12 वोल्ट से कम होंगे, 9 वोल्ट पे 9.5 वोल्ट पे जैसे ही जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा कि सोलर से करंट लेना बंद कर देगा और ये क्या करेगा कि मेन लाइन से चार्ज होना बैटरी शुरू हो जाएगी। ये देखें सोलर की तारों से ये कनेक्ट हुआ हुआ है और सेंसिंग कर रहा है और रिले के थ्रू ये ड्राइव हो रहा है। ये जैसे मैंने बताया था ये डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स है जहाँ से तमाम पंखों लाइटों के कनेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये देखें हमने कनेक्टर्स लगाए हुए जो कि मेन जो लाइन आ रही है चार्ज कंट्रोलर की जो आउटपुट है यानी कि 12 वोल्ट 13 वोल्ट 14 वोल्ट तक 14.7 तक समझ लें
14.7 जो हमने सेट की हुई है वो भी हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में जाके। ये जो आउटपुट है रेड और ब्लैक कलर की वायर्स हैं, ये हमने मेन कनेक्टर पे दी हैं और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दी घर के मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पे पंखे और लाइटें लगे हुए हैं मुख्तलिफ कमरों में, यहाँ से हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स एक अलग से बनाया हुआ है। ये देखें तारें, ये आउटपुट पे जा रही हैं, ये देखें ये आउटपुट पे तारें जा रही हैं। ये देखें सारे कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से हमने कनेक्शन किए हैं। बैटरी है, बैटरी चार्जर है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं। फिर भी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बिला झिझक पूछें, हम आपको बता देंगे सारी चीज़ें कि किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, देखें सोलर के वोल्टेज भी दिखा रहे हैं 13 वोल्ट, 46 टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त एनवायरनमेंट का, 18 एम्पियर इनपुट है, 14.2 एम्पियर आउटपुट पे जा रहे हैं करंट, जो भी चीज़ें हमारी ड्राइव हो रही हैं पंखे लाइटें उसका जो करंट है वो 14 एम्पियर तक जा रहा है। ये हमारी वो जगह जहाँ पे हमारा लोड चल रहा है पंखे और लाइटें, ये हमने एक नॉर्मल जो पियानो सॉकेट वो स्विचेस होते हैं पियानो स्विचेस उसको हमने ड्राइव किया हुआ है ओपन वायरिंग के थ्रू लाइट्स को, और ये पंखा चल रहा है हमारा, देखें कितना तेज़ चल रहा है पंखा, बेहतरीन हवा है इसकी, 12 वोल्ट पे चल रहा है ये, 12 वोल्ट डीसी पे ड्राइव हो रहा है ये, और ये जो है ओपन वायरिंग से हमने इस बोर्ड से जो इलेक्ट्रिक का बोर्ड नॉर्मली होता है इस बोर्ड से हम लाइट और पंखा चला रहे हैं। ये लेकिन लाइट ऑन हो गई, ये हमने स्विच को बंद किया नीचे से तो ये बंद हो गई, ये लाइट भी 12 वोल्ट की है और तकरीबन 2 एम्पियर करंट लेती है और पंखा हमारा 3 एम्पियर करंट लेता है। ये वापस हम उसी सेक्शन पे आ गए जो हमारा सोलर डीसी सिस्टम हमने सारा इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखें हम आपको करंट दिखा रहे हैं कि करंट कितना ये इनपुट पे आ रहा है सोलर पे, ये देखें वो तो चार्ज कंट्रोल तो देखा था, हम फिज़िकली देख रहे हैं 19.49 एम्पियर सोलर का करंट हम ये चेक कर रहे हैं कि 19 एम्पियर तक सोलर से करंट आ रहा है। बैटरी पे कितना जा रहा है ये देख लें, बैटरी के कितने एम्पियर पे चार्ज हो रही है, 5 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, ये देखें प्लस और माइनस है, देखें हमने प्लस पे लगाया और हमने देखा कि बैटरी कितने एम्पियर पे चार्ज हो रही है, 5 एम्पियर तकरीबन चार्ज हो रही है बैटरी। अब हम देखेंगे आउटपुट के, आउटपुट पे करंट कितना जा रहा है। ये हमने क्या किया, आउटपुट के जो पॉजिटिव पॉइंट यानी रेड वायर था इस पर हमने क्लैंप लगाया, क्लैंप मीटर देखा कि तकरीबन 15 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 19-20 एम्पियर जिस तरह से सोलर पैनल से जो करंट आ रहा है वो 5 एम्पियर तो बैटरी पे चला गया जो बैटरी चार्ज कर रहा है, बाकी के जो 15 एम्पियर रह गए वो हमारे आउटपुट पे जा रहा है, जो हमारे पंखे या लाइटें जो भी हमने डीसी सिस्टम लगाया हुआ है ये उस पर ड्राइव हो रहा है। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको बड़ी पसंद आई होगी, इसके मुताबिक कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें बिला झिझक पूछें, हम आपको इसका पूरा जवाब देंगे, कमेंट्स करेंगे, आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। शुक्रिया, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफज़ाई हो। अल्लाह हाफिज़।